हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो अभी अपने हाल फिलहाल जितने भी आगे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे बात करें अपन SSC JEE, चाहे इंजीनियरिंग सर्विस, चाहे या कोई भी हिंदुस्तान का टेक्निकल एग्ज़ाम हो PSU, उसमें क्या होता है, जो नॉन टेक में टेक्निकल का जो पोर्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, अपन क्या कर रहे हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपन क्या करेंगे, वीकली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे और एक हफ्ते की एक वीडियो बनाएंगे, ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड, वो मैं आपको सारे के सारे कवर कर लूँगा। जैसे मान लीजिए अगर हफ्ते का एक है तो महीने के चार हो जाएंगे, तो ये ज़्यादा आपके लिए बर्डन भी नहीं होगा एक पढ़ना। जैसे मान लो आप हफ्ते में एक घंटा अगर करंट अफेयर्स को दे रहे हो, एक डेढ़ घंटा, तो कोई बड़ा इशू नहीं है। और 10 से 12 मार्क्स भी की भी करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है। जैसे अभी हाल फिलहाल RVNL JEE में पूछा गया था, AE में पूछा गया था, और भी जैसे आपके, चाहे आप कोई भी ब्रांच से हो, सिविल से हो, कोई से भी हो, जैसे अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम है, उसमें भी करंट अफेयर्स आएगी। मतलब कोई भी एग्ज़ाम होता है हिंदुस्तान में, चाहे टेक्निकल की बात करूँ चाहे नॉन टेक्निकल की, तो उसमें जो करंट अफेयर होता है दोस्तों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। तो अपन क्या करते हैं, यूजुअली वैसे YouTube पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के, लेकिन वो क्या है, डे बेसिस पे, एक दिन में एक घंटा से लेके आधे घंटे से ज़्यादा वीडियोस होते हैं। तो अगर एक दिन में एक डेढ़ घंटा दे रहे हो तो वो फिजिबल नहीं है एज एन स्टूडेंट। तो हम क्या करते हैं, एक हफ्ते का एक वीडियो बनाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो ही डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट, फालतू की बकवास नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मैं एक हफ्ते का पूरा वीडियो बना रहा हूँ सर, एक अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, अपन डिस्कस करते हैं अपन करंट अफेयर्स को। तो बात करते हैं दोस्तों, 6th ईस्ट एशिया समिट एंड 15th इंडिया एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड इन सिंगापुर। अभी क्या हुआ है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर अपने कौन है, सुरेश प्रभु जी, उन्होंने अटेंड किया है 6th ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग EAS EMM एंड 15 इंडिया एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर मीटिंग। कहाँ पे हुई, आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, सिंगापुर में हुई है। सिंगापुर इज़ करंटली होल्डिंग द चेयर ऑफ एशियन, ओके, तो आपको इतनी ध्यान रखनी है। और दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन भी मैंने कवर कर लिया है, हु टेक्स एज द CMD एट हॉल। हॉल आपको पता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो अपनी एक PSU है, कई बार गेट्स कोर्स से भी लेती है। तो दोस्तों, ये PSU है, इसके CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो गए हैं, तो वो दोस्तों कौन है, R माधवन जी बने हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों, आगे अपन डिस्कस करते हैं दोस्तों, द मिनिस्टर फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट श्रीमती मेनका संजय गांधी अलॉन्ग विद चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश श्री आदित्यनाथ योगी इनॉग्रेटेड द विडोज, मतलब जो विधवा वगैरह हैं, होम कृष्णा कुटीर एट द फंक्शन एट वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश। तो कृष्णा कुटीर दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पे, इसको इनॉग्रेट किया गया, यूपी में इसे इनॉग्रेट किया गया, वृंदावन मथुरा में, इसको किसने इनॉग्रेट किया है, जो अपनी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्टर है श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ने इसे इनॉग्रेट किया है, योगीनाथ आदित्यनाथ जी के द्वारा, ठीक है। और यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन भी कवर किया, कैपिटल ऑफ नीदरलैंड, मैं आपको बताऊंगा क्यों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, एम्स्टर्डम इसकी कैपिटल है नीदरलैंड की, तो आपको इतना ध्यान रखना। आपने कई बार पिक्चरों में नाम सुना होगा, मूवीज में नाम सुना होगा कि एम्स्टर्डम, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम, ओके। फिर अपन बात करते हैं दोस्तों, RBI कैंसल्स, देखो यहाँ पे कैंसल्स लिखा है, नीचे पढ़ लीजिएगा आप, RBI कैंसल द लाइसेंस ऑफ भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो दोस्तों, जो अपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने जो बैंक था भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसका जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया है, ओके, ठीक है। तो ये था अपना कि जो RBI है उसने किसका लाइसेंस कैंसिल किया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक एक राजस्थान का ही बैंक है, तो उसका इन्होंने क्या लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि काफ़ी उनका जो प्रोस्पेक्ट थे वो काफ़ी घट गए थे, बिजनेस काफ़ी प्रॉफिट नहीं हो रहा इस वजह से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर एक मैंने क्वेश्चन भी कवर किया, नेशनल डॉक्टर्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 1st जुलाई। देखो दोस्तों, बेसिक चीज़ें हैं, कई बार जो भी क्वेश्चन मेरे को इंपॉर्टेंट लगता है मैं उससे रिलेटेड आपको कर देता हूँ, कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब है, तो कई डेज पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
और जो मैंने अंडरलाइन कर रखा है ये हाइलाइटर से है ना, तो वो चीज़ें पढ़नी है, हर चीज़ नहीं पढ़नी है ना, जो इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, बिनॉय कुमार अज्यूम्स चार्ज ऑफ सेक्रेटरी इन स्टील मिनिस्टर। जो बिनॉय कुमार को क्या सेक्रेटरी बना दिया गया, स्टील मिनिस्ट्री का उनको सेक्रेटरी बना दिया गया है। ये आपको दिख रहे होंगे, एक IAS कैडर के ऑफिसर हैं 83 बैच के, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे देखो सेम वही क्वेश्चन है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टील, तो आपको ध्यान रखना है बिनॉय कुमार हैं। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान, जस्टिस ताहिरा सफदार वॉज स्वॉन इन एज इन ऑन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तानी हाईकोर्ट। जस्टिस ताहिरा सफदार को क्या बनाया गया, फर्स्ट वुमेन बनी है चीफ जस्टिस कहाँ की, पाकिस्तान की हाईकोर्ट की। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सी मेड हिस्ट्री 1982 व्हेन सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन सिविल जज इन बलूचिस्तान। तो आपको ध्यान ही होगा दोस्तों, पाकिस्तान में एक जगह है बलूचिस्तान, वहाँ पर भी इनको, एक मिनट सॉरी, ठीक है, तो ये अपन बात कर रहे थे। फिर आगे बात करते हैं दोस्तों, एशियन गेम्स, दोस्तों हम सब जानते हैं जो अपने एशियंस गेम थे 2018 वो फिनिश हो चुके हैं दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जकार्ता और प्लेमबंग, एक जगह है जकार्ता तो शायद आप सबको पता होगा, और प्लेमबंग में फिनिश हुए हैं। तो अगर बात करें इंडिया ने कितने जीते हैं, तो इंडिया की अगर मैं बात करूं 69 मेडल्स टोटल जीते हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन श्योर आपको आगे आने वाले आपके एग्जाम में, सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं इंडिया ने कितने जीते हैं, 69 मेडल जीते हैं। इंडिया कौन से नंबर पर था, 8th नंबर पर आया था, 15 गोल्ड 24 सिल्वर 30 ब्रॉन्ज। और अगर बात करूँ टॉप किसने किया, चाइना ने इसको टॉप किया। मैं दोस्तों अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपके सारे एशिया से रिलेटेड, लेकिन फिर भी अपन एक बार यहाँ पे ही कवर कर लेते हैं कुछ चीज़ें। फिर बात करें, 18th एशियन गेम्स वर हेल्ड इन जकार्ता प्लेमबंग 2018 फ्रॉम 18 अगस्त टू 2 सितंबर इन द इंडोनेशिया सिटीज ऑफ जकार्ता और प्लेमबंग। ओके, तो आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों यहाँ पे मैंने क्वेश्चन कवर किया, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला, नेपाल और भारत ने एक धर्मशाला को इन न्यूज़ में आई थी, मैत्री पशुपति धर्मशाला विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। कौन सी बैंक के रिवर पे वो लोकेटेड, तो कौन सी रिवर है, बागमती रिवर। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे मैं बात करता हूँ, यूनियन मिनिस्टर चेयर फर्स्ट रिव्यू मीटिंग और डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों हम सब जानते हैं हिंदुस्तान की, अगर किसी से पूछा जाए दोस्तों, यूजुअली लोगों को क्या लगता है कि जो हमारी हमारी जो मातृभाषा है, जैसे अपन कहते हैं ना कि नेशनल लैंग्वेज, वो हिंदी है। दोस्तों ये जो आपका कन्फ्यूजन है बिल्कुल गलत है, अपनी कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब अपनी कोई लैंग्वेज है ही नहीं, नेशनल लैंग्वेज है नहीं। लेकिन अगर मैं बात करूं ऑफिशियल लैंग्वेज की, तो दोस्तों अपन क्या है, यूनियन मिनिस्टर चेयर ने एक रिव्यू मीटिंग का इनॉग्रेशन करवाया, उसके अंदर कहा गया कि हिंदी को अपन अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे यूज़ करेंगे, इशू रिलेटेड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी लैंग्वेज इन ऑफिशियल वर्क। ओके, फिर इससे क्या होगा, प्रमोटिंग ए मैक्सिमम यूज ऑफ हिंदी लैंग्वेज डे टू डे ऑफिशियल वर्क एंड अमंग द जनरल पब्लिक। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात हो रहा है, द मिनिस्टर वॉज इन्फॉर्म्ड द डिपार्टमेंट हैज डेवलप ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कॉल्ड कंठस्ट। मिनिस्टर ने एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है कंठस्ट फॉर ट्रांसलेटिंग। ये क्या करेगा, जितनी भी अपनी इंग्लिश डॉक्यूमेंट्स स्टोर्ड हैं उसको हिंदी में कन्वर्ट कर देगा, या फिर वाइस वर्सा भी काम कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कंठस्ट क्या है, एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर देगा चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वापस दोस्तों, ये जो जिसकी तस्वीर दिख रही है, चंदा कोचर जी हैं, जो अभी कुछ समय पहले इनको क्या किया था, इनको हटा दिया गया था। इन्होंने क्या किया, चंदा कोचर जी ने क्या किया था, इनके जो बैंक है ना, ICICI बैंक से इन्होंने क्या किया था कि जो इनके हस्बैंड है जो वीडियोकॉन के CEO आई थिंक, तो उनको क्या करें, काफ़ी ज़्यादा लोन दे दिया था विदाउट एनी कोई, जैसे आप सब जानते हैं इतने सारे NPS भर रहे हैं, तो लोग पैसे लेके भाग जा रहे हैं, तो इसी वजह से इनको हटा दिया गया था। लेकिन अब वापस इनको रीअपॉइंट कर दिया है, चंदा कोचर जी को, कौन सी बैंक की है, ICICI बैंक की रीअपॉइंट कर दिया गया है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, सबाना आजमी नंदिता दास ऋषि भारतीय मानवता विकास पुरस्कार। आप सब जानते होंगे दोस्तों, अपनी बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस है सबाना आजमी, आपने शायद मूवी देखी हो नीरजा, जिन्होंने नीरजा में उनकी मदर का रोल प्ले किया था, है ना। और नंदिता दास, इनको कौन सा पुरस्कार मिला, भारतीय मानवता विकास पुरस्कार। ओके,
फिर मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को लगता है कि ये आपके आने वाले हर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। एशियन गेम्स से रिलेटेड जापान स्विमर इकी, इनका नाम पूरा नाम है रिकाको इकी, इनको क्या गया MVP के तौर पर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का इनको अवार्ड दिया गया। दोस्तों मैं अगर इनकी बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, है ना, जापान की 18 साल की है मैच, है ना, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का इनको अवार्ड दिया गया। दोस्तों इन्होंने अकेले 6 गोल्ड और 2 सिल्वर जीत लिए हैं। दोस्तों यार 6 गोल्ड तो अपना आधा पूरा भारत देश मिल के जीत पाता है, इन्होंने अकेले 6 गोल्ड और 2 सिल्वर जीत लिए हैं, तो सोच सकते हो आप किस लेवल की ये प्लेयर है ना। फिर बात करें, PM releases book to mark 1 year in office of vice president वेंकैया नायडू। तो अभी क्या किया, प्रधानमंत्री जो अपने नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट जो अपनी कौन है, वेंकैया नायडू की जो बुक है मूविंग ऑन मूविंग फॉरवर्ड ए ईयर इन ऑफिस को लॉन्च किया गया है। किन्होंने लिखी है, वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने लिखी। वेंकैया नायडू जी काफ़ी किताबें लिखते रहते हैं, इनका जो लॉन्च है वो करते ही रहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, अभी CJ विल नेम रंजन गगोई से रिसोर्सेज। अभी क्या है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, दीपक मिश्रा जी हैं। इन्होंने क्या किया, अभी क्या रिटायर होने वाले हैं, तो इनका जो अगला सक्सेसर कौन माना जा रहा है, रंजन गोगोई, क्योंकि ये क्या है, सीनियर मोस्ट जज हैं अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट में, तो ये क्या है 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबली यही बनेंगे, तो आपको ये भी बात ध्यान रखना है। हिंदू न्यूज़ की क्लिपिंग है। फिर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक है कि ये जो आपको फोटो दिख रही होगी, हिरन है, डियर है, इनका अगर डियर की नाम करूँ दोस्तों, इस डियर का नाम है ब्रो एंटलर्ड डियर और आका डांसिंग डियर, बहुत ही रेयर स्पीसीज है। 1951 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, ये ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट की कगार पे थे, लेकिन अब क्या इनकी काफ़ी अच्छी पॉपुलेशन हो गई है। तो दोस्तों ये क्या है, ये क्या इशू क्यों आया, कि क्या हुआ कि ये जो वाले जो डियर हैं मणिपुर में जगह हैं, बिश्नपुर डिस्ट्रिक्ट वहीं पे ही मिलते हैं, तो अब वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे क्या चाह रहे हैं कि इसको कहीं दूसरी जगह भी शिफ्ट किया जाए, क्योंकि एक्सटिंक्ट ना हो जाए ऐसे डर से इसको, तो लेकिन जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि अगर ये वहाँ से चला जाएगा, जो उनका टूरिज़्म है वो बेस्ड इसी पे है, क्योंकि कोई भी जगह की टूरिज़्म होती है किसी ना किसी स्पेसिफिक चीज़ से होती है, कि वहाँ के हिरन फेमस हैं, अगर बात करें गुजरात के लॉयन फेमस हैं, है ना, तो अगर ये वहाँ से शिफ्ट हो जाएंगे तो वहाँ का टूरिज़्म इफ़ेक्ट होगा तो वहाँ के जो लोकल जॉब्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो आपको ध्यान रखना है ये इसके बारे में, ओके। फिर बात करता हूँ दोस्तों, देखो इनमें आपको एक फ़ोटो दिख रही होगी, तरुण महाराज जैंक मॉन्क हैं, भिक्षु हैं, तरुण महाराज की मृत्यु हो गई है, डाइज हो गए हैं दिल्ली में, बहुत ज़बरदस्त पर्सन थे ये, है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे बात करें, इनको ना सिर्फ जैनिज्म जैन के थे वैसे, लेकिन इनको सिर्फ जैन वाले लोग ही नहीं फॉलो कर, काफ़ी सारे हिंदू, काफ़ी हमका आपने नाम भी सुना होगा, जैंक मॉन्क थे तरुण महाराज, और उनका मृत्यु हो गई है 51 की एज पे, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। फिर मैं एक बात करूं जैन मुनि से रिलेटेड, 51 की एज में इनकी मृत्यु हो गई है, द मॉन्क हु वाज नोन फॉर हिज, इन्होंने क्या किया, ये एक इनकी लेक्चर सीरीज थी, ये क्या करते थे, एक इनकी किताब थी कड़वे प्रवचन, तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है, ठीक है, कड़वे प्रवचन किसकी किताब थी, जैन मॉन्क तरुण महाराज जी की, तो आपको इतनी ध्यान रखनी है। फिर दोस्तों अगर अब बात आई है जैनिज्म की, थोड़ी सी जैनिज्म से रिलेटेड अपन चीज़ें कवर कर लेते हैं, क्योंकि जैनिज्म से आसपास से चीज़ें पूछी जा सकती है, तो अपन को हवा भी नहीं लगती कि यार ये चीज़ पूछी क्यों जा रही है ना, लेकिन क्या होता है कि उससे रिलेटेड कोई ना कोई न्यूज़ रिसेंट में होती है। तो अगर मैं बात करूँ उनके फर्स्ट तीर्थंकरा कौन थे, ऋषभ देव थे, और उनके बात करें सिंबल क्या था, बुल था। फिर बात करें 24 तीर्थंकर जो लास्ट थे वो कौन थे, भगवान महावीरा थे, और उनका सिंबल क्या था, लॉयन था। और अगर बात करें तीर्थंकरा क्या होते हैं, वन हु हैज़ अटेंड निर्वाणा, निर्वाणा का मतलब होता है कि मोक्ष, है ना, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है अर्हत, तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है। फिर बात करता हूँ दोस्तों मैं, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, रानी रामपाल टू बी इंडिया फ्लैग बियरर, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको तस्वीर दिख रही है इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की जो कैप्टन है रानी रामपाल, आपको इतना भी ध्यान रखना है, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की कप्तान कौन है, रानी रामपाल है। इनको क्या किया है, जो एशियंस गेम हुए अभी ख़त्म, जो उसकी लास्ट फ्लैग बियरर थी वो कौन थी क्लोजिंग सेरेमनी में, आपको ध्यान रखना है कौन थी, रानी रामपाल। अगर मैं बात करूं ओपनिंग सेरेमनी में कौन था फ्लैग बेयर, तो नीरज चोपड़ा जी जो अपने प्लेयर हैं वो थे, तो आपको ये दोनों ही बातें ध्यान रखनी, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फिर मैं बात करूं वेंकैया नायडू भगवत
भगवत टू टेक पार्ट इन शिकागो हिंदू मीटिंग, जो आपको दिख रहे हैं मोहन भागवत जी जो आरएसएस के है ना हेड है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस WHC एक गैदरिंग इन शिकागो में हेल्ड हो रही है। वहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें कौन कौन ले रहे हैं, ऑर्गेनाइज बाय ग्रुप्स संघ परिवार जा रहा है, वाइस प्रेसिडेंट जी इनको भी क्या अनाउंसमेंट कि ट्रैवल बाय एक्सटर्नल मिनिस्ट्री इन द इंडियन एम्बेसी। अगर मैं बात करूँ दोस्तों इस WHC की, वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, ये क्या है कि जब अपने आज से अप्रॉक्स 125th एनिवर्सरी पे स्वामी विवेकानंद जो जब गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या उनके उपलक्ष में, उनकी जो एनिवर्सरी आने वाली है उसके उपलक्ष में यहाँ पे क्या ये कांग्रेस की मीटिंग होती है, तो इसलिए इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों, मैंने आपके इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हॉल के कौन CMD है, तो वहाँ पे आर माधवन टुक ओवर एज ए चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द डिफेंस PSU हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ओके हॉल फ्रॉम टी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। और कुछ इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूँ हॉल की, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंगलोर में है, किसके अंडर मैनेज होते हैं, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के। रिसेंटली HAL बिकम द फर्स्ट PSU टू मेक ट्रांजेक्शन ऑन RXEL ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ओके तो आपको ये भी ध्यान रखना है। फिर बात करें क्लोजिंग सेरेमनी हो चुकी है, यहाँ पे चाइना टॉप पे है, 289 मेडल्स हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया के जो इस बार थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, 15 गोल्ड जीते हैं, 20 सिल्वर और 30 ब्रॉन्ज, टोटल 69, आपको इतना ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं पहले की बात करूँ, देखो पहले अगर 2018 में 8th में रहा है, 2010 में 6th में रहा था, लेकिन टोटल उस वक्त मेडल जीते 65, 1982 में 5th में रहता था, 57 जीते थे। तो इससे रिलेटेड वीडियो आ जाएगा लेकिन अभी आपको इतना ही ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं, सुनील मेहता मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ PNB हैज बीन इलेक्टेड द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन बैंक एसोसिएशन IBS फॉर 2018-19। जो सुनील मेहता जी है मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है, कि ना चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे PNB के एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ IBA, ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। फिर बात करता हूँ दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर आयुष श्रीपद यसो नायक इनॉग्रेटेड द 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस IAVC एट द नीदरलैंड। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, 4th इंटरनेशनल आयुर्वेदा कांग्रेस कहाँ पे हेल्ड हुई है, तो आपको ध्यान रखना कहाँ पे हेल्ड हुई है, नीदरलैंड में। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट आयुष कौन है, श्रीपद येसो नायक हैं। और दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप कोई भी टेक्निकल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आप चाहे नेटवर्क, कोई भी जैसे इंजीनियरिंग सर्विस, कोई भी हिंदुस्तान में कोई भी टेक्निकल एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे टेक हो नॉन टेक हो, सारे वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बात करूँ, द कांग्रेस वुड फोकस ऑन प्रमोशन एंड प्रोपगेशन ऑफ आयुर्वेदा इन द नीदरलैंड एंड नेबरिंग कंट्रीज ऑफ यूरोप। ओके फिर बात करूं, न्यूजीलैंड स्पिनर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड स्पिनर मोर्ना निल्सन हैज़ अनाउंस हर, न्यूजीलैंड की स्पिनर है मोर्ना निल्सन हैज़ अनाउंस हर रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट एज सी एम्स टू शिफ्ट हर फोकस ऑन बीइंग ए स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर बनने वाली, इंजीनियर चाहता है कि मैं खिलाड़ी बन जाऊं, तो दोस्तों ये खेल चलता ही रहता है। फिर बात करें, अगर मैं बात करूं और किन किन ने रिटायरमेंट अनाउंस किया, जुलन गोस्वामी जो T20 से उन्होंने रिटायरमेंट कर दिया, मिचेल जॉनसन ने ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से कर दिया ऑस्ट्रेलिया के थे, मोहम्मद कैफ जो इंडिया के थे, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमिनेंट न्यूरोसर्जन, बहुत ही जाने माने न्यूरोसर्जन है डॉक्टर BK मिश्रा हैज़ बीन नेम्ड फॉर दिस ईयर प्रेस्टिजियस डॉक्टर BC रॉय नेशनल अवार्ड एज एन एमिनेंट मेडिकल पर्सन। तो दोस्तों डॉक्टर BC रॉय एक नेशनल अवार्ड मेडिकल पर्सन किसे दिया जा रहा है, डॉक्टर BK मिश्रा। तो अवार्ड का नाम क्या है, डॉक्टर BC रॉय, और अगर मैं बात करूँ किसको दिया जा रहा है, डॉक्टर BK मिश्रा को। और अगर बात करूँ हाइएस्ट मेडिकल ऑनर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूटेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया 1962, मतलब जो हाइएस्ट मेडिकल ऑनर है वो क्या है, डॉक्टर BC अवार्ड ही है, और एक ठीक है 1962 से दिया जा रहा है। और अगर बात करूँ और कब दिया जाएगा इनको, BK मिश्रा जी को, नेक्स्ट ईयर नेशनल डॉक्टर डे 1 जुलाई को। तो दोस्तों आपको मैंने वो क्वेश्चन बताया था, तो दोस्तों वो यहाँ से लिंक करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं, RBI हैज़ कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ राजस्थान बेस्ड भीलवाड़ा महिला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। आई थिंक ये क्वेश्चन कवर हो गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं दोस्तों, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिंडारा ठाकुर विलेज अंडर कोविटेड
अमेठी पार्लियामेंट, अमेठी के अंडर एक गांव आता है पिंडारा ठाकुर विलेज, कॉन्स्टिट्यूंसी जो अपने राहुल गांधी हैं उनके अंडर ये आता है अमेठी, वहाँ से काफ़ी एमिनेंट माने जाते हैं, काफ़ी शुरू से यहीं से सारे चुनाव लड़ते हुए आ रहे हैं राहुल गांधी जी अपने ठीक है राजीव गांधी। दिस विलेज में एक्सेस, इन्होंने क्या इसको डिजिटल बना दिया, टोटल स्मार्ट विलेज बना दिया। दिस विलेज एक्सेस 2206 गवर्नमेंट सर्विसेज डिजिटली। ओके, तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर मैं बात करूँ इंडिया टू टेक पार्ट इन सुनामी मॉकड्रिल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि 2004 में जो अपना 24 दिसंबर था उस दिन जबरदस्त सुनामी आई थी जिससे काफ़ी तबाही, तो उसी के मॉक ड्रिल की क्या, अगर सपोज आती है तो कैसे प्रैक्टिस करेंगी, चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाएगा, तो उसमें दिस एक्सरसाइज नोन एज IO वेव। तो इस एक्सरसाइज का दोस्तों आपको नाम ध्यान रखना है, क्या नाम है, नोन एज IO वेव 18 के नाम से इसको जाना गया है। तो आपसे पूछा जाए IO वेव 18 क्या है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना सुनामी मॉक ड्रिल है। ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया, इस ऑर्गेनाइज बाय द इंटर गवर्नमेंटल ओशियनोग्राफिक कमीशन IOC ऑफ यूनेस्को। ओके, तो आपको इतना ध्यान रखना है। फिर बात करूँ एशियन गेम 2026 विल बी हेल्ड इन जापान, तो कहाँ पे हेल्ड होंगे, जो अगले गेम है जापान में, ठीक है। फिर बात करते हैं झारखंड रेलवे स्टेशन टाउन टू बी रीनेम्ड आफ्टर लॉर्ड कृष्णा, जो झारखंड का जो रेलवे स्टेशन जो आपको फोटो में दिख रहा है उसका किसके नाम पे रख दिया जाएगा, लॉर्ड कृष्णा के नाम पे। फिर बात करते हैं हु इज़ द गवर्नर ऑफ हरियाणा, अभी क्या बहुत सारे गवर्नर्स चेंज हुए हैं, तो अगर मैं बात करूँ हरियाणा के गवर्नर कौन हैं, तो आपको ध्यान रखना है नारायण आर्या जी हरियाणा के गवर्नर हैं। फिर बात करें अभी क्या हो रहा है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है, तो एलिस्टर कुक ने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है कहाँ से, टेस्ट क्रिकेट से, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है आपसे आने वाले एग्जाम से पूछा जा सकता है कि हाल फिलहाल किसने अपना रिटायरमेंट घोषित किया है, ठीक है। फिर वहाँ पे क्वेश्चन भी कवर किया, विच इंडियन मेन्स ब्रिज पेयर हैव क्रिएटेड हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग इंडिया फर्स्ट एवर गोल्डन ब्रिज एट द एशियन गेम। दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, इंडियन मैन ब्रिज का मतलब होता है जो अपन ताश वगैरह खेलते हैं ना उसको ही ब्रिज कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या किया है, इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की, इंडिया फर्स्ट एवर गोल्ड जीता है एट द एशियन गेम्स। तो कौन है, प्रणब बच्चन एंड शिवनाथ जी हैं, ठीक है, प्रणब बच्चन और शिवनाथ जी हैं। तो आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखनी है। फिर मैं बात करूँ फॉर्मर फुटबॉलर अरुण पेरा डेड, जो भी फॉर्मर फुटबॉलर थे अरुण पिथिया पेरा जी वो डेड हो गए हैं, ये काफ़ी जाने माने प्लेयर थे, फॉर्मर महाराष्ट्र फुटबॉल प्लेयर अथुरा डेड इन ही वॉज 70, ठीक है। और यहाँ पे एक मैं क्वेश्चन भी कवर कर लेता हूँ, इंडिया एंड नेपाल हैव साइन एन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन प्रीलिमिनरी इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे, मतलब इंडिया और नेपाल मिलकर एक MOU साइन किया है जिसमें इंजीनियरिंग कम ट्रैफिक सर्वे किया जाएगा ऑन ब्रॉड गेज रेलवे लाइन बिटवीन रक्सौल एंड काठमांडू, मतलब रक्सौल और काठमांडू के बीच में, काठमांडू हम सब जानते हैं दोस्तों कहाँ पे है, अपना नेपाल में है। और अगर बात करें क्वेश्चन ये है कि रक्सौल कहाँ पे है, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है रक्सौल कहाँ पे है, बिहार में है, तो बीच में सर्वे किया जा सकता है। दोस्तों फिर अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, UAE टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू स्पेस, दोस्तों हम सब जानते हैं जो अपने अरब कंट्रीज़ हैं UAE है ना, जितने भी ये कह सकते काफ़ी रिच कंट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे तेल वेल काफ़ी लोग पैसा है, लेकिन स्पेस से रिलेटेड इन्होंने क्या एक एस्ट्रोनॉट सेंड किया है, UAE हैज सेलेक्टेड फर्स्ट 2 एस्ट्रोनॉट टू गो ऑन मिशन ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है क्योंकि एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं कहाँ से, UAE से। तो दोस्तों इनमें कभी इनका नाम नहीं आता, अपन को क्या लगता है कि इंडिया होगा USA होगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मैं बात करूं इंटरनेशनल टूरिस्ट अरावल हिट रिकॉर्ड हाई इन 2017 विद इंडिया लीडिंग द ग्रोथ इन द साउथ एशियन रीजन, दोस्तों एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इंटरनेशनल टूरिस्ट की जो अराइवल है इंडिया में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में ज़बरदस्त रही है इस साल। अगर मैं बात करूं अगर राजस्थान या फिर कहीं भी नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़बरदस्त टूरिस्ट का हिट रिकॉर्ड, इन्होंने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। तो ये किसकी रिपोर्ट थी, UN टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार ये 84 मिलियन इंक्रीज आया ओवर 2016 एंड ए न्यू रिकॉर्ड, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूँ UNWTO की यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी फुल फॉर्म से कई बार पूछा जाए, UNWTO की फुल फॉर्म क्या है ना, हेडक्वार्टर का मैड्रिड में है, कैपिटल हेडक्वार्टर मैड्रिड, और ये स्पेन की ही कैपिटल है। अगर बात करूँ सेक्रेटरी जनरल की मिस्टर जूरब पॉली खासविली है ना, इनका ये सेक्रेटरी जनरल हैं। अगर आप आगे बात करते हैं
फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी विद हरियाणा चीफ मिनिस्टर लाल खट्टर, आपको ध्यान रखना है चीफ मिनिस्टर हरियाणा कौन है, मनोहर लाल खट्टर, इनॉग्रेट द प्रोजेक्ट अंडर द स्मार्ट ग्राम योजना। तो अभी जो अपने प्रधान प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी थे उन्होंने और चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर ने इनॉग्रेट किया है प्रोजेक्ट स्मार्ट ग्राम योजना का। ओके, तो अगर मैं बात करूँ स्मार्ट ग्राम योजना इनिशिएटिव क्या है कि इसके अंदर क्या गया था, 5 विलेज ऑफ हरियाणा नेमली अलीपुर रोज, ये आपको नाम नहीं ध्यान रखना, हैव बीन अडॉप्टेड बट द प्रेसिडेंट हाउ विन एम टू डेवलप दम इन टू स्मार्ट विलेज, मतलब प्रेसिडेंट हाउस के एम में इसको डेवलप किया जाएगा स्मार्ट विलेज में, तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट चीज पे, नीति आयोग फ्लैग ऑफ मूव साइक्लोथॉन ए साइकिल रैली टू प्रमोट क्लीनर एक्सेसिबल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि दोस्तों हम सब जानते हैं कि बहुत सारा पॉल्यूशन बढ़ रहा है डे बाय डे, तो अब क्या कर रहे हैं कि जो साइकिल एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, अगर बात करें फिजिकली पॉल्यूशन को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स है, आप इंडिविजुअल लेवल पे भी आप अपने पास एक साइकिल रखें यार, आप स्टूडेंट्स हो कहीं भी आना जाना हो 2-4 किलोमीटर के एरिया में, साइकिल जाए आपकी फिटनेस की फिटनेस हो जाएगी, बढ़िया आपका पॉल्यूशन भी नहीं होगा, कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बढ़िया साइकिल अच्छा ट्रांसपोर्ट है यूज़ करना चाहिए। तो नीति आयोग ने मूव साइक्लोथॉन एक रैली कराई थी, है ना, और ठीक है, तो आपको इतनी चीज़ ध्यान रखनी है। तो दोस्तों आज का इतना ही करंट अफेयर था, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अपन क्या कर रहे हैं, एक ये पार्ट फर्स्ट है, मैं क्या करता हूँ 2 पार्ट में बना दे, थोड़ा ज़्यादा वीडियो बढ़ाना हो जाए इसलिए 2 पार्ट्स में बना रहा हूँ, एक पार्ट तो अभी अपलोड किया, सेकंड पार्ट थोड़ी देर में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों ये पार्ट वाइज एक हफ्ते का एक वीडियो, मतलब एक वीडियो बहुत है, 1 से 2 वीडियो अपन हर डे आप पढ़ते हो 1-1.5 घंटा, वो आपके लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल स्टूडेंट हो, टेक्निकल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप RPSC AEN की कर रहे हो जो अभी होने वाला है दिसंबर में, इंजीनियरिंग सर्विस की करते हो, SSC JEE की करते हो, क्योंकि आपके पास टेक्निकल पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो दोस्तों टेक्निकल से रिलेटेड अगर आपको वीडियोस देखने हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नॉन टेक्निकल से रिलेटेड भी वीडियोस मिल जाएंगे, तो प्लेलिस्ट में से उनको आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी चैनल्स हैं यूट्यूब पे वो नॉन टेक्निकल ओरिएंटेड है, टेक्निकल ओरिएंटेड कोई चैनल है ही नहीं, सीधी सी बात। तो ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।